हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं किड्स ड्रीम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे एक अनोखी कहानी की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक बच्चा रहता था। गोपाल बहुत ही प्यारा बच्चा था। गोपाल वैसे तो बहुत होशियार था, लेकिन फिर भी उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। गोपाल की माँ उसे रोज समझाती थी कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, अगर पढ़ोगे तभी कुछ अच्छा बन के निकलोगे। लेकिन तब भी हमेशा गोपाल अपनी माँ को नज़रअंदाजी कर देता था और पढ़ाई की तरफ कुछ खास ध्यान नहीं देता था। उसका ध्यान हमेशा खेलकूद में ही रहता था। फिर एक दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। हर साल की तरह इस साल भी पूरे गांव में गणपति बप्पा की तैयारी जोर शोर से हो रही थी। गांव गांव में गणपति बप्पा की मूर्तियां बिक रही थी। पूरे गांव में गणपति बप्पा की पूजा धूमधाम से हो रही थी और गोपाल भी बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसे गणपति बप्पा की पूजा करना और उनके साथ ढेर सारी बातें करना बहुत पसंद था। गांव के एक मंदिर में, जो गोपाल के घर के पास में ही था, वहाँ गणपति बप्पा की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की गई थी। गोपाल भी अपनी माँ के साथ रोज वहाँ मंदिर में जाता और गणपति बप्पा के दर्शन करता। गोपाल पूरे मन और भक्ति भाव से गणपति बप्पा की सेवा करता था। फिर एक रात जब गोपाल सो रहा था, उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि गणपति बप्पा खुद उसके सपने में आए हैं। गणपति बप्पा ने मुस्कुराते हुए गोपाल से कहा, बेटा गोपाल, तुम मुझे इतने प्रेम से पूजते हो, रोज मंदिर आते हो, मेरी पूजा करते हो, मुझसे इतना प्रेम करते हो, इसलिए मैं आज यहाँ तुम्हें दर्शन देने आया हूँ और तुम्हें सिखाने आया हूँ कि जिंदगी में पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, पढ़ाई में कितनी रुचि होनी चाहिए। आज मैं यही तुम्हें बताने आया हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गोपाल ने सिर झुकाकर गणपति बप्पा से कहा, हे बप्पा, आपको तो पता ही है मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, मुझे पूरे दिन बस खेलना ही पसंद है, पढ़ाई के नाम में मुझे नींद आने लगती है। गणपति बप्पा ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर तुम पढ़ाई मन लगाकर करोगे तो तुम्हारे सारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे, तुम्हें जीवन में कभी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कभी मुश्किल आएगी भी तो तुम अपनी बुद्धि से उसका सामना कर सकोगे। यहाँ पर देखो, मैंने भी अपनी बुद्धि से अपनी सारी मुश्किलें पार की है। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा जीवन भी सुंदर बनेगा और तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगा। एक दिन तुम इतने बड़े आदमी बन जाओगे कि तुम्हारी माँ को बहुत खुशी होगी। वह सबको बताएगी कि मेरा बेटा आज बहुत बड़ा आदमी बन गया है। गोपाल ने गणपति बप्पा की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और उनसे वादा किया कि वह अब मन लगाकर पढ़ाई करेगा और जीवन में एक सफल आदमी बन के दिखाएगा। इसके बाद जब गोपाल ने गणपति बप्पा से आशीर्वाद लिया और अपनी आंखें खोली तो वहाँ पर बप्पा नहीं थे। अगली सुबह जब गोपाल उठा तो उसने अपना सारा सपना याद किया और अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, अब से मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा और रोज़ स्कूल भी जाऊँगा, अब से मैं कोई शर्त या कोई जिद नहीं करूँगा। यह सुनकर गोपाल की माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने खुशी से अपने बेटे को गले लगा लिया। फिर वह नहा धोकर मंदिर गई और वहाँ पर गणपति बप्पा की पूजा की। गोपाल, जो माँ के साथ ही था, उन्होंने अपनी माता से कहा, माँ, यह सब मुझे गणपति बप्पा ने ही बताया है कि मुझे अब से मन लगा कर पढ़ाई करनी है। धीरे धीरे गोपाल ने मन लगा कर पढ़ाई शुरू की और कुछ ही समय में गोपाल पढ़ाई में बहुत ही होशियार छात्र बन गया। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। इस तरह गणपति बप्पा की कृपा से गोपाल ने सीखा कि मेहनत और ध्यान से काम करने से हर समस्या का हल मिल सकता है। जब भी गोपाल को कोई मुश्किल आती,
वह गणपति बप्पा को याद करता और पूरी लगन से काम करता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, गणपति बप्पा की कृपा से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, बस हमें मेहनत और ध्यान से काम करना चाहिए। धन्यवाद।